तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्चुअली में एक ऐसा चैलेंज करने जा रहे हैं जो सचमुच में थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इधर आओ एक बार, इसको देखो, एक बार देखो गाइस। ये है एक बॉक्स, ठीक है, दिखाओ, इधर भी दिखाओ। और गाइस इस बॉक्स के अंदर हम लोग पूरे 24 घंटे बिताने वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट खैर आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। गाइस शुरू करते हैं। लगा दे रोशन भाई। ओके भैया, बाय 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 गाइस। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है भैया। लॉक हो गए। तो गाइस आप देख सकते हो, भाई अंदर आते ना गर्मी लगने लग गई है, ठीक है। तो गाइस फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखो, ये हमने एक स्विच बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। इससे बंद करते हैं तो ये देखो यहाँ पे लाइट है ना, ये बंद हो जाती है, ये देखो, और यहाँ से चालू हो जाता है। आप देखो, पहले टाइम दिखाया था आपको, टाइम देखो कितना हो रहा है, ये देखो टाइम हो रहे हैं 5:30, ठीक है, यानी 5:30 बज रहे हैं। और कल के 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो ये देखो, ये पूरा बॉक्स पूरा यहाँ से एकदम बंद है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ी सा हमने तकिया टाइप बना रखा है, ये देखो, ठीक है। और ये बोतल ले रखी है हमने, खाली बोतल, समझ ही गए होगा क्यों ले रखा है खाली बोतल। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले रखा है, ये थोड़ा पानी है और ये है थोड़े सा फ्रूटी भी रखा हुआ है हमने। और उधर देखो गाइस, इधर रखा हुआ घड़ी, ये जो लकड़ी है हमने इतना खोल के रखा हुआ है, बाहर से ना ऐसे ये खुल नहीं सकता है, देखो। तो यहाँ पे देखो, ये बस सांस लेने के लिए, पता नहीं क्या होगा गाइस। चलिए थोड़ी देर में आपको अपडेट देता रहूँगा। सो गाइस पूरे 3 घंटे हो चुके हैं और देखो 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मेरा चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो, इधर देखना, ये देखो, ये देखो कितना पानी है भाई, बहुत पानी आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। वैसे को और कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, एक ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे उठने में दिक्कत हो रही है, सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं। और ये देखो मेरी शर्ट भी पूरी तरीके से गीली हो गई है भाई, ऐसा लग रहा है थोड़ी सांस भर के वापस आ गई वेल अंदर। आपको पता है वेल भी ऐसा करती है, वेल जो होती है ना पानी में सांस नहीं ले पाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वेल पानी में सांस नहीं ले पाती है, तो क्या करती है ना, जब उसको सांस लेना होता है तो सतह पे यानी कि सरफेस पे आ जाती है, पानी के ऊपर सांस ले लेती है जितना उसको लेना होता है, और वो फिर पानी गहरे पानी में चली जाती है काफ़ी देर के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक अपने सांस रोक सकती है। और भाई कैसे कैसे जी रहे हैं दुनिया में। अगर ऐसा होता तो मैं तो एक दो दिन सांस रोक के बैठ जाता इधर, है कि नहीं, अपन भी कर लेते फिर ऐसा, बट हम बेल नहीं। मेरी जेब में यहाँ पे देखो 10 रुपये पड़ेगा, 20 रुपये पड़ेगा। चलो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आप मेरी हालत देखते रहोगे। तो फाइनली गाइस देखो, आप यहाँ पे टाइम 11 बज चुके हैं वो भाई। बट गाइस देखो, मैंने इतनी देर में ना अपना टाइम पास करने के लिए दो चीज़ें बनाई है, दो ड्राइंग। देखो हंसना मत बस। देखो पहली तो ये ड्राइंग बनाई, ये देखो क्या है, ये एक चिड़िया की ड्राइंग है ना। ये देखो मैच करो भाई तुम्हारा पेट। अभी तो 11 ही बजे हैं, 11 से वापस हुई 11 पे आएगी, फिर 5 पे जाएगी, 5:30 पे जाएगी, फिर हम निकलेंगे बाहर, Here. तो गाइज अभी देखो आप, मैं सो गया था थोड़ा सा। अभी देखो 12:30 बज गए, यानी कि 7 घंटे हो गए हमें आए हुए। इधर 5:30 बजे आए थे ना, 7 घंटे हो गए ना। थोड़ा सा नींद आ गया था, पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा भाई, कसम से बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत गर्मी हो रहा है। क्यों अगर हम इधर से हाथ बाहर निकालते हैं जैसे यहाँ से, तो बाहर पता है ऐसा लगता है जैसे कितना कम टेम्परेचर है, और अंदर आके वहाँ पर है कितना ज़्यादा लग रहा है ना, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है। With a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. तो गाइस बिल्कुल मेरा बोलने का मन तो नहीं कर रहा है अभी, लेकिन आप मेरे पीछे देखो 6:30 बज चुके हैं। ओ भाई 13 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर आए हुए। रात में तो मुझे लग रहा था मैं खुद बाहर चला जाऊँ, लेकिन जा ही नहीं पाया। ओ भाई मैं सोच रहा था कि सुबह उठूँगा 5:30 बजे, लेकिन नींद नहीं खुले। ये अभी तक एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पे। रात भर में देखो क्या हुआ है, पूरा एकदम पूरा भीग गया यार। ये देखो पूरा भीग गया, ये देखो बहुत बुरा हाल है। बाहर आप अभी भी देख सकते हो, ये देखो ये देखिए इस चेयर में कितना पंखा चल रहा है और अभी भी वहाँ कोई नहीं है। रात निकल गई, पूरी रात गुजार दी हमने यहाँ पे इस बक्से के अंदर। मानते हो ना तो भाई को भाई, बट अभी सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है और 24 बिताने हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है अब तक की वीडियो में? And I've been chilling, watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chilling, kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the monsoon। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे 11:30 हो चुके हैं, 11:30 ज़्यादा ही होगा, मतलब हमें होगा कितने 17 घंटे हो चुके हैं। ओ भाई समझो, देख लो भाई 17 घंटे बिता दिए हमने इस रूम में, इस मतलब बॉक्स के अंदर। अब बस एक ही मन कर रहा है कि यहाँ से बाहर निकलो, सीधा खड़ा हो जाऊँ, बस ऐसा मन कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गर्मी लग रही थोड़ी सी, चलो तो कोई नहीं, इतनी देर में तो नॉर्मल सा हो गया, ऐसा कि गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार बाहर निकल के खड़े हो जाए, बस थोड़ा सा शरीर को सीधा करने का मन कर रहा है। सिकुड़ के बैठे इतनी देर से, सिकुड़ के ऐसे लेटा हुआ जब से मैं, ये देखो ऐसे ही लेटा हुआ जब से आया ना, ऐसे लेटा हुआ। खैर इंतज़ार करते, इंतज़ार। तो हेलो गाइस, सुबह के मतलब कि दोपहर के कितने 12 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं भैया के पास कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी हम रास्ते में ही हैं, तो चलते हैं जल्दी से। क्या हाल है भैया? बस 4 घंटे और। देख सकते हो 2 बज चुके हैं और सिर्फ 3.5 घंटे बाकी है। बज गए, सिर्फ 2 घंटे बाकी है और 2 घंटे में हम यहाँ से बाहर। 4:30 बज चुके हैं, ओ भाई सिर्फ 1 घंटा बाकी है और अभी मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि बस 1 घंटे का रास्ता बाकी है। ट्रेन जैसा फील आ रहा है थोड़ा सा, मतलब सब्र नहीं हो रहा, मतलब मेरे से ऐसा लग रहा है अभी हो जाए बस 1 घंटा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं इधर 5:30 बज चुके हैं और हमारा फाइनली टाइम आ चुका है बाहर जाने का। तो अब ये लोग ताला खोलेंगे, ओए जल्दी खोलो भाई। सो फाइनली गाइस हम लोग भैया को खोलने जा रहे हैं। खोल देगा? नहीं यार 36 घंटे के लिए रहने देते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो फाइनली गाइस ओ खुल गया। अब फाइनली पूरा 1 दिन बाद भैया आने वाले हैं। 3, 2 और ये ओ भाई इतने काले कैसे हो गए भैया? चालू ये कट कर दिया, चालू है और क्या। बोले भाई मेरे को गोरा आना चाहिए, ऐसे करके दिखाओ। बोले भाई एक्सपीरियंस ले। तो फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ गए और आपने देख ही लिया कि क्या क्या होता है जब हम लोग 24 घंटे के लिए इस तरह के बक्से में कैद हो जाते हैं। तो और मैं दोबारा तो कभी भी नहीं जाऊंगा, इसमें कभी भी नहीं जाऊंगा। ऐसे मेरी जान ले ली भाई इसने। भैया जल्दी बात में जाओ ना, हमें बदबू आ रही है।